देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत सरकार ने मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को किया आतंकी घोषित, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। घाटी से दो पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा पकड़े गए, आतंकवादियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। नहीं थम रहा दिग्विजय सिंह का चिट्ठी विवाद, दिग्विजय समर्थकों ने जलाया वन मंत्री उमंग सिंघार का पुतला। वन मंत्री उमंग सिंघार के पक्ष में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ दोनों पक्षों को समझाएं। और गणेश विसर्जन में सलमान खान का डांस, सलमान के डांस का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर दिया है। इनके अलावा दाऊद इब्राहिम और जकीर उर रहमान लखवी को भी संशोधित आतंकरोधी कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला संसद द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दिए जाने के एक महीने बाद यह कदम उठाया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकी गतिविधियों में शामिल है और इसीलिए उसे आतंकी घोषित किया जाता है। वहीं सरकार का यह भी मानना है कि हाफिज सईद आतंकवाद में शामिल है, इसीलिए उसे भी आतंकी घोषित किया जाता है। मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार शांति भंग करने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में वो घाटी में आतंकियों की घुसपैठ में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर उनकी मदद कर रहा है। ऐसी ही घुसपैठ के माध्यम से घाटी में दाखिल हुए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद सेना ने इनके वीडियो जारी कर दिए हैं, जिसमें इन आतंकियों ने खुद को लश्कर से संबंधित बताया है। यह वीडियो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। उनके साथ इस दौरान जम्मू कश्मीर के ADG मुनीर खान भी थे। वीडियो जारी करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पाकिस्तान लगातार घाटी में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में है, ताकि घाटी की शांति को प्रभावित किया जा सके। 21 अगस्त को हमने दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है जो लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑल द लॉन्च पैड्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आर एज अ फुल विद द टेररिस्ट ऑफ वेरियस तंजीम्स। पाकिस्तान इज अटेम्प्टिंग एवरी नाइट एंड डे इन असिस्टेंस विद पाकिस्तान आर्मी पोस्ट विच आर देयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। इवन दिस टू टेररिस्ट हु हैव बीन कैप्चर्ड, दे वर ऑल्सो housed at the Pakistani forward post of the army and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control. As the terrorist in his own statement has already told you, so all the launch pads across the line of control, not only opposite Kashmir but also opposite Poonch, Rajouri and Jammu, are full of terrorists of various tanzeems, and every day and night the terrorist activities of infiltration are being attempted. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंक फैलाने की कोशिश में है। 6 अगस्त को पत्थर लगने से घायल हुए शख्स असरार अहमद की मौत हो गई है। पिछले 30 दिनों में यह 5वीं मौत है। यह मौतें आतंकियों, पत्थरबाजों और पाकिस्तान की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की चिट्ठी से शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और MP कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की बातों का कांग्रेस नेताओं पर कोई असर नहीं दिख रहा। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने वन मंत्री उमंग सिंघार के बंगले पर प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। सीएम कमलनाथ की समझाइश के बाद वन मंत्री उमंग सिंघार ने मौन साध लिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह खेमा अब खुलकर सामने आ गया है।
मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की चिट्ठी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वन मंत्री उमंग सिंघार द्वारा लगातार 3 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप की बौछार जारी है। सिंघार ने अपने पुराने आरोपों को दोहराने के अलावा दिग्विजय सिंह पर सरकार को ब्लैकमेल करने, शैडो सीएम की भांति काम करने के और शराब और रेत का धंधा करने के आरोप लगाए थे। आरोप के बाद मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में सिंघार को बुलाकर चर्चा की और उन्हें इस मुद्दे पर आगे चुप रहने की हिदायत भी दी। सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस सब मसले पर कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं करने को कहा। सीएम से मुलाकात के बाद सिंघार फिलहाल चुप है, लेकिन दिग्विजय सिंह खेमा वन मंत्री उमंग सिंघार के विरोध में आ गया है। उमंग सिंघार के बंगले के बाहर दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपने नेता के खिलाफ दिए गए वन मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने वन मंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सम्मानीय नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनके खिलाफ कोई भी आपत्ति तब बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जा भी जाएंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे, उन्हें माफी मांगना चाहिए 24 घंटे के अंदर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करेंगे, हमेशा कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे उमंग सिंघार जी और सोनिया जी और राहुल गांधी से नहीं बदले, जाएंगे वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ ने वन मंत्री सिंघार और दिग्विजय सिंह के इस विवाद को खत्म करने को कहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय समर्थक प्रदेश भर में उमंग सिंघार के खिलाफ आंदोलन का मन बना रहे हैं। वही खबर है कि इस मसले पर अधिकांश मंत्री उमंग सिंघार से सहमत हैं और हाई कमान से अपने अपने तरीके से प्रदेश के ताजा हालातों से अपडेट करा रहे हैं। इस मामले पर अब तक 3 मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर चिट्ठी कांड पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मचे घमासान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का वन मंत्री उमंग सिंघार के प्रति नरम रुख सामने आया है और उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान निकालें। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंत्री उमंग सिंघार की दिग्विजय के बारे में कही गई बातों से संदर्भ में उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को उमंग सिंघार की बात सुनना चाहिए, यदि आरोप गंभीर है तो इनकी जाँच होनी चाहिए। सिंधिया का कहना है कि उमंग जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको सुनना चाहिए। हम लोगों ने 15 साल कड़ी मेहनत करके आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन स्थापित की। हमको 6 महीने भी नहीं हुए और जिस आशा और अभिलाषा के साथ हम सब लोग, चाहे मैं हूँ दूसरे कार्यकर्ता हैं, सभी ने मेहनत की। आज अगर ऐसे मतभेद उठ रहे हैं, ये दायित्व तो होता है मुख्यमंत्री दोनों पक्षों को बैठकर सलाह मशवरा करें, इसका समाधान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मुख्यमंत्री को इस विषय पर दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस का शासन आया है, जबकि अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लोगों की विकास को लेकर कई अभिलाषाएं हैं। सिंधिया के अनुसार मतभेद हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि दोनों पक्षों को बैठा लें और उनमें सुलह करवाएं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सिंहस्थ घोटाले को लेकर कहा कि सिंहस्थ घोटाले की फाइल भले ही गायब हो गई हो, लेकिन घोटाला हुआ है और इसकी जांच होगी। वहीं मंत्री उमंग सिंघार के मसले पर पीसी शर्मा गोलमोल जवाब देते नजर आए। बीजेपी कार्यालय में हुए सिंहस्थ घोटाले की फाइल गायब होने पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भले ही फाइल गायब हो गई हो, लेकिन घोटाला हुआ है और इसकी जांच की जाएगी। पिछले कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बयानों से सुर्खियां बटोर चुके मंत्री उमंग सिंघार के अब मीडिया के सामने न आने पर पीसी शर्मा ने गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिंघार कमलनाथ के मंत्री हैं, उनको जो कार्य दिया गया है वो कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा फोन न उठाए जाने पर शर्मा ने कहा कि यह गलत है और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। घोटाले के मामले में विधानसभा में भी एक सवाल आया था, उसका जवाब मैंने ही दिया था, उसमें उसकी जाँच होगी, उसके आदेश दे दिए गए।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है, जिससे कई मकान गिर गए हैं। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बारिश प्रभावित क्षेत्र का मुआयना कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं नरसिंहपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद संकट अब और गहराने लगा है। कल रात अचानक हुई तेज बारिश से साली चौक समीपस्थ ग्राम रहमा के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण कई मकान गिर गए। बारिश की वजह से घर, स्कूल और गाँव सब जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की हालत बदतर हो गई है। न इसके पास बाढ़ से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल है और न ही खाने के लिए अनाज। लोगों का कहना है कि सारा अनाज बारिश की चपेट में आ गया है और लोगों का बुरा हाल है। फसलों का भी बहुत नुकसान हुआ है, धान पूरी डूब चुकी है, कंडीशन हर चीज की बिगड़ गई। वो तो और मूंग रखी थी बीज के लिए, चने रखे थे खाने के लिए, गेहूं रखा था, सब भीग डूब गया, कुछ तो बह गया, सामान मिला ही नहीं है। सब कुछ नहीं हुआ, जो सारा मर गया, मैंने मारा अब गीले ठाड़े छुनाई निकाल पाए, सर का कुछ निकाल लो, इतनी संभावना ही नहीं रही कब बन। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। कलेक्टर एवं एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी भी गांव में पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की फसलों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। लोगों का मानना है कि अचानक बादल फटने से ऐसी स्थिति बनी है। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को बाढ़ से पीड़ित लोगों को खाने एवं रहने की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए। यह रहमा गांव में अभी हमने रिकॉर्ड किया, गाँव वालों ने इसे रिकॉर्ड कर ली कि शाम को सुबह सुबह 6-7 बजे से पानी भरना चालू है। पूरे गांव में करीब 3-3.5 बजे पानी भरा। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़क बनी है उसमें जो पुलियाएँ बनी है उस पुलिया से पानी संभव है पूरा निकल नहीं पाया, इसलिए गाँव में पानी का जो है लॉक हो गया। अभी पानी काफ़ी हद तक उतर गया है। हमारी टीमें यहाँ पहुँच गई हैं, सर्वे कर रहे हैं। कुछ कच्चे मकानों में क्षति हुई है और ऐसा लग रहा है कि देख के थोड़े देर बाद हो सकता हो गिर गई हो, तो हमारी टीम पूरी नज़र रखेगी। अभी जो अतिवृष्टि के कारण से जो बाढ़ आई थी स्थानीय नदी में, अभी उतार पे है, गांव में पानी भरा हुआ है और कई घरों को जो है नुकसान पहुँचा है। इसके लिए हम सर्वे दल बना दिया है और हमारा सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। जो प्राकृतिक आपदा से मकानों को क्षति पहुंची है, खाने पीने का जो सामान है, कपड़े हैं, लगते हैं, इनके लिए जो है हम तत्काल जो है सहायता राशि जो है सर्वे कराकर स्वीकृत करेंगे। रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन थंडर शुरू किया और कुछ ही घंटों में 220 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस ने इन अपराधियों का जुलूस निकाला और अदालत पहुँचाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने 220 पंजीबद्ध अपराधों की बड़ी अभियान चलाकर गिरफ्तारी की और कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते समय उन्हें जूस की शक्ल दी। इनकी दिन भर चर्चा होती रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गणेशोत्सव और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत हिस्ट्री शीटरों अपराधों में संलिप्त रहे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एएसपी सिटी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन थंडर अभियान चलाया था, जिनमें 20 थाना क्षेत्रों से 220 से ज्यादा निगरानी बदमाश और गुंडों को सोते समय घर से उठाया गया। रविवार की दोपहर 1:30 पर पुलिस कंट्रोल रूम से पकड़े गए सभी बदमाशों का जुलूस निकालकर कोर्ट ले जाया गया। अभियान में कुछ ऐसे भी बदमाश मिले जिन पर एक दो नहीं बल्कि कई थानों में शिकायतें दर्ज हैं। गणेशोत्सव के दौरान पिछले 10 सालों से मारपीट करने वालों की भी पहचान कर इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? एक आप लोग को क्यों लाए गए यहाँ पे? ठीक है ना, अभी क्या त्योहार है आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, आपकी सभी की मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, सबकी मैं फोटो ले रहा हूँ। ठीक है, आगामी पूरे गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के आगे भी, ठीक है, दशहरा है, पूरे त्योहार का सीजन है, कहीं भी आप लोग कोई भी वारदात में किसी हाथ से बहुत बुरा होगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। अपने हक के लिए पिछले 2 सालों से लड़ रही महिला को जब हर स्तर से असफलता मिली तो उसने थक हार कर प्राण त्यागने की बात कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी पीड़िता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश की सिवनी जिले में निवासरत मैं भी आपकी आदिवासी बेटी हूं और 2 सालों से न्याय के लिए तरस रही हूं। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। कामकाजी महिला कर्मचारी के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को उजागर करने वाला यह शर्मनाक मामला आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी का है, जिसमें एक पीड़िता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखने का मामला सामने आने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने ट्वीट में भी इस मामले को सार्वजनिक किया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। मामला सामने आने के बाद सहायक आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के मुताबिक पीड़ित महिला कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हुई थी। 9 सितंबर 2017 को विभाग में ही पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी सुधीर राजनेगी ने महिला कर्मचारी के शासकीय आवास में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी और अभद्रता की तो जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला कर्मचारी ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया और सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम से शिकायत कर कर्मचारी सुधीर राजनेगी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन आज तक उक्त कर्मचारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि उल्टे उसकी पोस्टिंग भी महिला कर्मचारी के नजदीकी कार्यस्थल पर कर दी गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि सहायक आयुक्त अपनी पहुंच का उपयोग करते हुए इस मामले को दबा रहे हैं। उन्होंने मामले को दबाने और साक्ष्य खत्म करने के लिए मेरा तबादला जानबूझकर घनसौर कर दिया है, जो गलत है। मैंने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर सहित जिले के प्रभारी मंत्री से भी की, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, लिहाजा मुझे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है। मैं अधिकारी से बहुत प्रताड़ित हूँ, सत्येंद्र मरकाम सहायक आयुक्त सिवनी, उनके द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है 2 साल से। 9/9/17 को मेरे साथ एक घटना घटी थी, उसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई और तुरंत ही सत्येंद्र मरकाम जी को भी मैंने फ़ोन से इन्फॉर्म की, पर उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया रात में। और मेरे को मतलब दबाव बनाया गया कि नहीं तुम केस वापस ले लो, और ये घटना के पहले 9/9/17 की घटना के पहले साहब के द्वारा मेरे को बोला गया कि तुम सुधीर राजनेगी से शादी कर लो मैडम, मैंने मना की, तो फिर ये घटना घटी थी मेरे साथ। सरपंच के परिजनों ने सहायक सचिव के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में बीच बचाव करने आए लोगों को भी चोटें आई हैं, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन सरपंच पति की गुंडई के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंच पति पर भ्रष्टाचार करने की भी जांच शुरू हो गई है, लेकिन जांच करने गई टीम को भी पंचायत भवन से भागना पड़ा। रीवा के मऊगंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा में सरपंच के परिजनों ने रोजगार सहायक पुष्पेंद्र पटेल के साथ मारपीट कर दी। रोजगार सहायक पटेल ने बताया कि इंजीनियर के बुलाने पर वो सरपंच के साथ मिलने पंचायत गए थे, जहां काम के दौरान सरपंच पति शीतला दास ने अपने समर्थकों के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत जिला पंचायत के सीईओ और पुलिस अधीक्षक से भी की गई, लेकिन सरपंच पति की दबंगई देखिए कि पुलिस ने अब तक ना कोई जांच की है और ना ही कोई कार्रवाई। सर, ये 27 तारीख की बात है, राजकुमार पटेल सब इंजीनियर द्वारा मुझे ग्राम पंचायत में करीब 2 बजे के आसपास बुलाया गया।
वे अपना जैसे हम ग्राम पंचायत में पहुँचे तो सब इंजीनियर द्वारा मुझे ऑन गोइंग वर्क के बारे में जानकारी ली गई। हमने जानकारी देते समय सरपंच वर्तमान सरपंच प्रेमवती कटेल के पति आके मुझे गाली गलौज करने लगे और मारे भी हैं। इसकी शिकायत हमने अपने जनपद पंचायत महूगंज में किए हैं, जिला पंचायत सिहोसर को भी हमने कर दिए हैं। मैं एक सैनिक रिटायर हूँ, हमारे बच्चे को मतलब इतना अपरोध दबाव है कि उनको हर तरह से ना मतलब है ना मारपीट का यह है, तो इसलिए ये है मतलब है ना सरपंच की तरफ से दबाव। प्रेमवती कटेल उनके पति शीतला प्रसाद कटेल, ये बहुत बड़ा दबाव है। हम कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाप उसमें सरपंच बनेगा तो पंचायत में बैठना, नहीं तो बैठने के नहीं। मैं ये मांगता हूँ शासन से कि हमारी देखभाल जाए, ये आनिंदा ऐसा ना होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और रोजगार सहायक ने जब इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की तो उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई। 17 बिंदुओं पर जांच करने पहुंची टीम ने अंधेरा होने की वजह से गांव जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं पंचायत भवन के कमरे में ही पूरी जाँच कर ली। जाँच टीम द्वारा पंचायत भवन में नाश्ता कर मौखिक जाँच की गयी। जानकारी के अनुसार जब जाँच टीम भवन के अंदर पूछताछ कर रही थी तभी सरपंच के साथी गुटों ने ग्रामीणों से मारपीट की, जिसके साथ जांच टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और जांच बंद करनी पड़ी। अब जब मीडिया कर्मियों ने जांच के बारे में पूछना चाहा तो अधिकारी मुंह छुपाते अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाने में सही कार्य नहीं किया गया है के मतलब इनको जीआरएस साहब को यहाँ ने सरपंच साहब के माध्यम से ये बोला जाता है कि ये कुछ काम नहीं करते हैं, ये मेरे को सरपंच नहीं मानते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये जो हमला हुआ है अभी तो हमला किया गया। जांच इसलिए हो रही थी कि इनको अभी 4-5 दिन हो गया मारे पीटे हैं सरपंच साहब के पति साहब। सरकार की जनता और ग्रामीणों के लिए बनाई गई अनगिनत योजनाओं सरपंच यूं ही डकार जाते हैं। सरकार द्वारा गांव के विकास में दी जाने वाली राशि कहां जा रही है, यह जांच का विषय है। पॉलिटेक्निक के छात्र शिवम ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस युवक का काफी समय से साथ में पढ़ने वाली लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़ लिया था। इसके बाद लड़की के परिवार वाले लगातार युवक को धमकी दे रहे थे, जिसके बाद शिवम ने दहशत में आकर खुदकुशी कर ली। छतरपुर के हरपालपुर में पॉलिटेक्निक छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। घटना हरपालपुर की है, जहां बीती रात पॉलिटेक्निक का छात्र शिवम गुप्ता अपनी प्रेमिका के घर के बाहर संदिग्ध हालत में बेहोशी में मिला। प्रेमिका के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शिवम अपने माता पिता का इकलौता संतान था। पापा हमें 3 बजे जगा दी, 3 बजे हमारा टेस्ट है कल, सो हमने कही जगाया चलो टेस्ट है कहाँ मिलो जाए ईशा लक्ष्मण नंबर से पास हो सो होते गए सो कहाँ वाले को मिलूँ। शिवम के पिता का आरोप है कि शिवम के साथ पढ़ने वाली छात्रा के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 30 अगस्त को दोनों को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़ लिया था। नौगांव थाने में छात्र के परिजनों ने शिवम के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन शिवम के पिता छात्रा के परिजनों से माफी मंगवाने हरपालपुर गए थे, जहां उसके पिता के साथ छात्रा के परिजनों ने मारपीट कर दी थी और शिवम को धमकी दी थी कि उसे पेट्रोल डालकर जला देंगे। धमकी के बाद शिवम दहशत में आ गया था और खुदकुशी करने के पूर्व उसने प्रेमिका के परिजनों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा। पिछली कल रात 2 से 2:30 बजे के मध्य मेरे थाने में जो रात संतरी पहरे पे सिपाही था धर्मेंद्र गुप्ता, उसने मुझे फ़ोन से बताया कि एक नरेंद्र गुप्ता जो यहाँ वैद्य का काम करते हैं वो रात मोटरसाइकिल चला के, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर की बाउंड्री के पास एक लड़का पड़ा हुआ है बेहोश जैसी हालत में, संभवतः उसने कुछ खा लिया है। और उस सूचना पे मैंने तुरंत 108 को 100 डायल को रवाना किया, 108 उसे तुरंत लेकर के नौगांव के लिए रवाना। एक नाबालिग बच्चे पर जुआरियों को मोबाइल चुराने का शक था, जिसके चलते जुआरियों ने नाबालिग 13 साल के बच्चे को बेहद अमानवीय यातनाएं दी और अधमरी हालत में उसे छोड़कर भाग गए। बच्चे को लगातार 5 घंटे तक करंट लगाया गया और पेचकस से पूरे शरीर में सैकड़ों घाव दिए गए।
बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र के छिंदी माथनी गांव में एक 13 साल के नाबालिग बच्चे को मोबाइल चोरी के संदेह में जुआरियों ने बेहद अमानवीय यातनाएं दी और अधमरी हालत में उसे छोड़कर भाग गए। जुआरियों ने पहले तो बच्चे को अगवा किया और फिर उसे लगातार 5 घंटे तक करंट लगाया और पेचकस से उसके शरीर पर सैकड़ों घाव बना दिए। दरअसल गाँव में एक जगह कई जुआरी बैठकर जुआ खेल रहे थे, नजदीक ही ये बच्चा भी खेल रहा था। अचानक किसी ने पुलिस के आने की सूचना दी तो सारे जुआरी उठकर भागे, जिसपे कुछ के मोबाइल भी मौके पर छूट गए। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो उन्हें अपने मोबाइल दिखाई नहीं दिए। उन्होंने नजदीक खेल रहे इस बच्चे को उठाया और एक सुनसान जगह में ले जाकर बंधक बना लिया। सारे जुआरी बच्चे से लगातार मोबाइल के बारे में पूछते रहे और उसे यातनाएं देते रहे। जब बच्चा बेसुध हो गया तो उसे वहीं छोड़कर आरोपी भाग गए। बच्चे के एक रिश्तेदार को वो बेहोशी की हालत में मिला, तब कहीं जाकर अस्पताल ले जाया गया। बच्चे के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनने पहले ले गया गहने में, खेत में से उठा के 8 बजे से सुबह के करंट लगाया। हाँ, फिर टेस्टर मारा। नाम बता। टेस्टर से मारते थे? हाँ। तो तुमको दर्द नहीं होता था? होता था। कितनी देर तुम बंद रहते बेटा? शाम तक। हाँ। बेल्टों से भी मारा? हाँ। तो तुम चिल्लाते नहीं थे क्या? चिल्ला रहे थे, मुंह बांध दिया था। बेसिकली जानकारी लगी थी, चिंदी गांव है, वहाँ पे कुछ लोग ताश पत्ते खेल रहे थे और 108 व्हीकल्स वहाँ से निकला बत्ती जलाते हुए। तो उन्होंने सोचा कि पुलिस पहुँची हुई है, तो उन लोगों ने भागे हैं वहाँ से। भागने के बाद तो उनका मोबाइल, ऐसी जानकारी लगी कि मोबाइल वगैरह छूट गया, तो उस बच्चे के द्वारा उठाया गया। इस संदेह पर उस बच्चे के साथ में 2 लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। मामला संज्ञान पे आने पर पुलिस पर FIR की गई है। पुलिस ने छापेमारी कर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के छोटे भाई की कार से 65,000 की अवैध शराब जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कांग्रेस नेता का भाई शराब की तस्करी कर रहा है। पुलिस ने शाहगंज इलाके में उसकी गाड़ी को चेक कर शराब पकड़ी। शाहगंज के कांग्रेस मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण शिवहरे के छोटे भाई सोनू शिवहरे को पुलिस ने अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया है। शाहगंज भोपाल रोड पर पुलिस ने मुखबिर सूचना पर भोपाल की तरफ से आ रही लाल रंग की पोलो कार को रोककर चेक किया तो कार की डिग्गी में रखी 7 पेटी एवं ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पर रखी 3 पेटी अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 65,000 रुपए बताई गई है। सुकमा में 8-8 लाख रुपए की इनामी 2 खूंखार महिला नक्सली समेत 8 नक्सलियों ने DIG, CRPF और SP के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 1-1 लाख रुपए की इनामी है। महिला नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रही हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल व्यक्ति पाली और कोमराम सम्मी पुत्र रामकृष्णा नक्सलियों की खूंखार बटालियन नंबर 1 का भी सदस्य था। इनके अलावा पोडियम टिंकू मलेशिया कमांडर इन चीफ और रवा भीमा LGS सदस्य पर 1-1 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले अन्य नक्सलियों में पोडियम केशा सोया मुत्ता नक्सली स्कूल शिक्षक उइका बुधरा मलेशिया सदस्य और मुचाकी रामा जनताना सरकार अध्यक्ष बैयल पल्ली RPC शामिल हैं। दूसरी ओर बीजापुर जिले के कोतुलनार सरपंच के अपहरण और हत्या की वारदात में शामिल रहे दंडकारण्य किसान मजदूर संगठन अध्यक्ष पंडरू तेलम और उसूर थाना क्षेत्र से महिला नक्सली सोढ़ी पोज्जे को गिरफ्तार किया गया है। पंडरू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 8 पूर्व नक्सली आए हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव थे और हमारे समक्ष समर्पण करके मुख्य धारा पे जुड़ना चाहते हैं। ये जो 8 हैं, इनमें से प्रमुख 2 बटालियन की पूर्व मेंबर रही हैं और उनके अलावा कोंटा एरिया कमेटी के 1 LOS सदस्य रहे हैं और 1 नक्सली टीचर रहे हैं जो कि हमारे समक्ष आकर के सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अब बात आज की वीडियो वायरल की। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान ने गणेश विसर्जन कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए। सलमान खान के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सलमान खान स्वरा के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान अपनी बहन अर्पिता के घर गणेश विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां सोनाक्षी सिन्हा डेजी शाह नेहा धूपिया भी नजर आईं। सलमान खान गणेश उत्सव के दूसरे दिन बहन अर्पिता खान शर्मा के घर गणेश विसर्जन पर परिवार के साथ पहुंचे। सलमान ने न केवल अपने भतीजे आहिल के साथ गणेश आरती की बल्कि जमकर डांस भी किया। सलमान खान फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं।
फिल्म में सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, किचा सुदीप और अरबाज खान भी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। अर्पिता के घर पर ये सभी नजर आए। सलमान और अन्य सितारों ने गणेश जी की आरती में भाग लिया। गणेश विसर्जन के दौरान नाच रहे सलमान का वीडियो वायरल हो गया है। उनके साथ स्वरा भास्कर भी नाचती नजर आ रही हैं। सलमान को बराबर डांस में टक्कर दे रही स्वरा का डांस काफी बिंदास और मुंबईया अंदाज का है। ढोल ताशों पर सलमान खान खूब नाचे। गणेश विसर्जन में सोनाक्षी सिन्हा, डेजी शाह, नेहा धूपिया और अंगद वेदी सहित कई सेलिब्स भी शिरकत कर रहे हैं। सलमान ने अर्पिता आयुष और अपनी भतीजी अलीजा अग्निहोत्री के साथ भी जमकर डांस किया। फिल्ममेकर अतुल अग्निहोत्री ने इस उत्सव के दौरान के सलमान के कई वीडियो शेयर भी किए। इन वीडियो में अर्पिता, अरबाज, सोहेल और उनकी मां सलमा खान भी नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है बता रहे हूं। पूरे ताल तलैया ला वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊं कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, हम गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी। फिर लेके आया मैं, गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको स्कूल लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे गणेश। वो मैं बता रही हूँ, असली लोकतंत्र कांग्रेस में है, गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है, उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमें बता रहा, चिट्ठियां लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज है चिट्ठियां विट्ठियाँ। और दूसरा, उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। और ये खबर ये देखो, चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहे हैं कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग, ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ, जेलों को 5-स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जब आखिरी टाइम वही निकालना है। और ये खबर ये देखो मज़ेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है, ये 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। और मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि भैया हम तो अब यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं। अब देखो ऐसे तो बात ही ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट हैं, वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पे उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें। अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनका ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ये खबर देखो, PM साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय भी बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं, बड़नगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने PM साहब की जो दुकान देखी, चाय बना जहाँ चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा हूँ ये पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान, कहीं हाँ भविष्य में PM बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं, हेलमेट नहीं पहनो को 1000 रुपये, शराब पी किया को 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में, तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा,
हैं, वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे, लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, वही यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है। आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग फीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है। मैं तो चला भैया, मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।